किसने उसका मॉलेस्टेशन किया है उसके ऊपर ये पूरा सीन चल रहा है, केस भी चल रहा है, कोर्ट केस जैसे आप जानते हैं, और शक के दायरे में है चार लोग, कृष्णा, राधे, पंकज और अभी आदित्य भी। तो ये सब अब इस वक्त फैमिली का पूरा शक जो है वो आदित्य के ऊपर जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पंकज जी हम सब समझ गए कि वो इनोसेंट है, तो अब आदित्य के ऊपर शक जा रहा है। अब आदित्य ने किया है या नहीं यही फिगर आउट हम लोग कर रहे हैं। सो इसी के ऊपर सीन है, हम देख रहे हैं कि हमें आदित्य पे पूरा शक हो रहा है कि कहीं पे से उसने हार चुरा के बेचा और वो चोरी कर रहा है घर पे। तो अभी जो सीन गया है वो यही है कि एक्चुअली में हार उसने चोरी किया है कि नहीं, क्योंकि हार घर में से मिसिंग है। तो अब ये जानना आदित्य सबूत ला सकता है, सबूत ला पाएगा? आदित्य सबूत ला पाएगा या नहीं ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि वो वापस आएगा या नहीं, कि वो दादी के भरोसे को कायम रख पाएगा कि नहीं, दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। बट इसके लिए आपको शो देखना चाहिए, मैं सब बता दूंगी तो आप क्यों देखोगे। तो आगे क्या ट्विस्ट आने वाला है? आगे ट्विस्ट बहुत मज़ेदार है और अगर आप देखते रहेंगे तो आपको शॉक लगने वाला है, यू विल बी टेकन बैक बाय सरप्राइज कि एक्चुअल जब सच सामने आएगा। तो आप अपने फैन से क्या बोलना चाहेंगे? मैं फैन से यही बोलना चाहूँगी कि आप हमारा शो देखते रहिए, हमें सराहते रहिए और सुहानी सी एक लड़की बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, तो फॉलो द ट्रैक और आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आप खुद मिस नहीं करेंगे। यू मोस्ट वेलकम, थैंक यू।